फ्रेंड्स वेलकम इन मंचिकाज लर्निंग हब। तो आज मैं आपके साथ एक और प्यारा सा कॉटन का टॉप शेयर कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह का मैंने टॉप बनाया है। ये देखिए ये इस तरह का टॉप मैंने बनाया है। 12 से 13 साल की लड़कियों के हिसाब से मैंने स्टिच कर रहा है। तो इसमें बैक फ्रंट साइड में भी फ्रिल है और इसमें बैक साइड में भी फ्रिल है। यहाँ पर ये हुक पट्टी दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ इलास्टिक लगाया है जिससे कि इसका लुक और भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है। इसके साथ मैंने कैपरी भी स्टिच करी है। तो इसकी कटिंग, कैपरी की कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर दोनों एक साथ शेयर करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने अभी सिर्फ टॉप की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर करी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमने इस टॉप को बनाया है। तो सबसे पहले मैं टॉप की जो कपड़ा है उस पर अच्छे से प्रेस कर ले रही हूँ जिससे कि सारे सलवटें निकल जाएं और जब हम टॉप की कटिंग करें तो कपड़ा एकदम बराबर से आए, ऊपर नीचे ना हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेना चाहिए। तो ये हमारे टॉप का कपड़ा है और इसकी मैं कैपरी स्टिच करूँगी। सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है चार लेयर्स में। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको चार लेयर्स में फोल्ड कर दिया है। तो इसकी चौड़ाई हमने रखी है 10 इंच, क्योंकि हमें इसको लूज बनाना है, टॉप को बिल्कुल फिटिंग में नहीं बनाना है, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है। अब टॉप की लंबाई हम रखेंगे 22 इंच। तो हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। अब हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच। अब 5 इंच पर हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने जो आर्म होल लिया है 5 इंच, उसका हाफ करना है, 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। इसके बाद हमें 2 इंच पर नेक के लिए निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच और नेक हमें रखनी है 4 इंच के ऊपर गहराई में। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे और फिर इसके बाद इसको गोल शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारी नेक तैयार है। अब हमें 1/2 इंच अंदर रखते हुए फ्रंट साइड के लिए भी एक आर्म होल और ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में हमें 0.75 इंच शोल्डर का ड्रॉप देना है इस तरह से। तो हमने मार्किंग कर ली है, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे की तरफ से हमें इसमें जैसे कि कमर का साइज और हिप राउंड होता है उसका निशान हम इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इलास्टिक लगाना नीचे की तरफ। तो पहले हम बैक साइड का आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। अब हमने बैक पार्ट एक तरफ कर लिया है और उस कपड़े को वापस हम अच्छी तरह से फोल्ड करके और फ्रंट साइड का आर्म होल भी कट कर लेंगे।
अब हमें फ्रिल की कटिंग करनी है, तो हम फ्रिल की लंबाई और चौड़ाई हमें 13 इंच लेनी है। तो लंबाई में से देखिए इस तरह से हमें 13 इंच पर निशान लगा लेना है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। अब इसको हमें इस तरह से पकड़ करके और इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये हो गई 4 लेयर्स और ये बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई में बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई हमने इसकी रखी है 13 इंच। ये देखिए, अब जो बंद साइड है कपड़े की, वहां से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ। इस तरह से निशान लगा के हम इसको गोल शेप दे देंगे। अब जहां पर निशान लगाया वहां से हमें जितने भी फ्रिल की लंबाई चौड़ाई रखनी है उतने हम निशान लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है। बराबर बराबर 9 इंच पर निशान लगाते हुए हमें पूरे गोल राउंड पर निशान लगा लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। ये इस तरह से हमारे नेक पर लगाने के लिए सर्कल तैयार हो गया है। अब हमें सबसे पहले शोल्डर अटैच कर लेने हैं। ये देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हमें दोनों आर्म होल्स पर पाइपिंग लगानी है। तो हमने उरेप पट्टी ली है जिसे हमें डबल फोल्ड करना है और एक बार रॉन्ग साइड में रख करके हमें एक स्टिच लगानी है और उसके बाद में हमें वापस सीधा करके और सीधी साइड में इसको ऊपर की तरफ एक और स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले इसको रॉन्ग साइड में रख दिया है डबल फोल्ड करके उरेप पट्टी को और एक सिलाई लगा रहे हैं। अब देखिए इसको वापस हमें सीधे की तरफ फोल्ड कर लेना है, वापस डबल फोल्ड को, और ऊपर की तरफ एक और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने पाइपिंग लगा ली है पूरे आर्म होल पर। इसी तरह से हमें दूसरे वाले आर्म होल पर भी पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने दोनों आर्म होल्स पर पाइपिंग लगा ली है। अब हमने जो सर्कल कट करा है उस पर हमें लेस लगानी है। तो इस तरह से हम एक सिंगल किनारे फोल्ड करते जाएंगे पूरे सर्कल में और इस तरह से हमें ये वाइट लेस जो है मेरे पास है वो पूरी इस पर मैं लगा लूँगी पूरे सर्कल पर। अब देखिए हमने लेस लगा ली है। अब हमें सुई धागे की हेल्प से जो बीच साइड में यहाँ पर स्टिच ले लेनी है धागे से पूरे सर्कल पर और इसको हमें धागे को खींच करके जो हमारे नेक लाइन हमने कटिंग करी है टॉप की उसके हिसाब से हमें इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये जो नेक राउंड है इसके हिसाब से हमें इसको रखना है।
तो ये देखिए हमने इसको तैयार कर लिया। यहाँ से हमने इसमें पीछे की तरफ कट लगाया है क्योंकि हमने इसमें हुक पट्टी के लिए भी इसमें कट लगा रखा है, तो इसलिए हमने सर्कल को बीच में से कट कर दिया है। अब सबसे पहले हमें हुक पट्टी तैयार कर लेनी है। तो हमने एक कपड़ा लिया है और जो हमने कट लगाया है उससे थोड़ा सा लंबा हमने रखा है, तो सीधी साइड में इसको रख करके हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। अब जो कपड़ा हमने इसके साथ अटैच किया है उसे हमें बीच में से इस तरह से कट कर लेना है जहाँ तक हमने पहले कट लगाया था वहाँ तक, और उसके बाद में हमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। सिलाई हमारी कटनी नहीं चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हमें इसको वापस अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है डबल फोल्ड करके और हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने हुक पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब हमें टॉप को भी सीधी साइड में रखना है और उसके ऊपर हमें फ्रिल को सीधी साइड में रखते हुए दोनों को अटैच कर लेना है, और उसके बाद में जिस तरह से हमने आर्म होल्स पर पाइपिंग लगाई है उसी तरह से हमें नेकलाइन के ऊपर भी पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने फ्रिल्स को अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने पूरी नेकलाइन तैयार कर ली है, पाइपिंग भी लगा ली है हमने। इसके बाद में हमें नीचे की तरफ से किनारी फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से हमें पतला पतला कपड़ा फोल्ड करते हुए दोनों साइड को स्टिच कर लेना है। हमने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। अब हमने एक इलास्टिक कट करा है जिसकी लेंथ हमने रखी है 13 इंच। इसे हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्टिच करना है, तो इसी के साइज का मैंने एक और इलास्टिक कट कर लिया है और दोनों साइड में हमने इलास्टिक लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक लगा लिया है। अब हमें साइड की फिटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने साइड की फिटिंग कर ली है और हमारा टॉप बिल्कुल बन करके तैयार है। ये पीछे बैक साइड है जहां पर हमने हुक पट्टी रखी है इस तरह से। और यहाँ पर हमने बॉटम में देखिए इलास्टिक लगाया है, कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब